एरिथ्रोसाइट्स के बारे में हमने बात की थी कि एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं जनरली, ठीक है बेटा, सो दे आर व्हाट, जैसे एक सिंपल सी बार बात करें हम, व्हाट इज इट, अगर आप एक मिल्क का सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, वो एक तरह का क्या है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब अगर आप उसे फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो ऊपर का जो क्रीम होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है जब आप उसे फिल्टर करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ब्लड क्या है, ब्लड भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें लिक्विड पार्ट जो है वो क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है, और उसमें जो अदर सब्सटेंसेस जो क्रीम की तरह प्रेजेंट है, दैट इज द व्हाट, ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज इट, अगर हम ब्लड की ही बात करते हैं तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होते हैं और जिस किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड क्या है, एक दैट इज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जोड़ता है, ठीक है, हमारे एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक जोड़ता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है, फ्रॉम अपर टू द लोअर वन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ बॉडी और टो तक, आप टो से लेके आपके ब्रेन तक, ठीक है, हार्ट तक, तो दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। So we talked about that RBC. RBC means that is contain the hemoglobin. Okay, that RBC present in the blood and that contain the hemoglobin, which is iron containing pigment, and that gives the red color to the blood. So we can talk about that is. कितना fill कर दिया? One minute. Clear? That contains RBC and that contains hemoglobin. Okay? And hemoglobin को generally Hb जो होता है, उससे क्या करते हैं? Generally that is represent करते हैं and that contains the iron. Okay? That contains the iron which gives the color red blood. ठीक है, अगर मैं ब्लड के फॉर्मेशन की बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लड जो होता है जनरली फॉर्म इनटू द बोन मैरो, ओके, दैट इज फॉर्म इन बोन मैरो, ओके, दैट इज द स्पंजी टिश्यू, स्पंजी टिश्यू होता है विच इज प्रेजेंट इनटू द बोन, ठीक है, क्लियर। बोन जो होता है उसके अंदर एक स्पंजी टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट रहता है और वहां से ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो फॉर्म होता है, उसके डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आरबीसी हो और चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो एवरेज एडल्ट की हमने बात की थी, एवरेज एडल्ट में अगर बात की जाए तो आरबीसी जो होते हैं दे आर व्हाट इज इन इन लैक में प्रेजेंट रहते हैं और इनका लाइफ स्पेन जो होता है जनरली 100 टू 120 डेज का होता है, यानी इतने दिन ये जिंदा रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये क्या होते हैं, मैच्योरिटी के बाद आफ्टर दैट ये डैमेज हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो जब खत्म होते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स ब्लड में इस तरह घूमती रहती है, ठीक है, ब्लड में जब ये डेड हो जाते हैं, और इन डेड सेल्स को, आरबीसी को जनरली कहां पर पहुंचाया जाता है, दैट इज द स्प्लीन, दैट इज स्प्लीन। अब स्प्लीन जो है एक तरह का ऑर्गन है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट जस्ट, व्हाट इज इट, जैसे आपने पढ़ा था दिस वन इज द स्टमक, ओके, यहां पर एक पार्ट प्रेजेंट होता है बॉडी में, दैट इज द स्प्लीन, ओके, दैट इज नोन एज द स्प्लीन, और इस स्प्लीन को ब्लड का क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द ब्लड बैंक, जहां पर व्हाट, ब्लड स्टोर होता है, और दूसरी चीज जहां पर जो डेड सेल्स हो जाते हैं, जो डब्ल्यूबीसी है, चाहे आरबीसी है, चाहे प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी जो, ठीक है, ब्लड आरबीसी जो होते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो यहां जाकर उन्हें फिनिश कर दिया जाता है, यहां तक पहुंचाया जाता है, दैट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड कहा जाता है,
क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ब्लड में जो सर्कुलेशन को डिस्कवर किया गया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय दैट इज विलियम हार्वे, दैट इज विलियम हार्वे। ओके, विलियम हार्वे जो थे उन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया। ओके, दैट इज डिस्कवर्ड बाय द विलियम हार्वे। दूसरी चीज, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ओके, that is the white blood cells, ठीक है, that is also known as leukocytes, that is also known as leukocytes, इन्हें और क्या कहा जाता है, leukocytes कहा जाता है। okay, clear बेटा, clear, that is known as the leukocytes, so that protect us, जिनका काम क्या होता है, illness, बीमारी से हमें बचाता है, infections, germs, okay, that prevent the body from the diseases, ठीक है, जो हमारी body को बीमारियों से बचाने का काम जो करता है वो किसका काम होता है, WBC का काम होता है, ठीक है, and ये cells जो होते हैं generally हमारे immune system के होते हैं, okay, that is of immune system, देखिए हमारी body में जो bone marrow में जो cells बनते हैं, ठीक है, वो एक तरह के स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स का मतलब एक स्पेशल सेल्स होते हैं, बाद में डिफरेंशिएट हो जाते हैं वो, मतलब वो एक स्पेशलाइज हो जाते हैं कि उनको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो कुछ आरबीसी में डेवलप हो जाते हैं, कुछ प्लेटलेट्स हो जाते हैं, कुछ WBC में डेवलप हो जाते हैं, क्लियर, तो दैट काइंड ऑफ सेल्स जो होते हैं स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं दैट इज व्हाट ब्लड सेल्स, वो हमारे सेल्स इम्यून सिस्टम में स्टोर होते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, एंड दैट इज लाइफ स्पेन की अगर बात करें, इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो जनरली, ठीक है, 13 या 3-4 days का होता है माना जाए तो, ठीक है, और इनकी जो नंबरिंग है दैट इज 10,000, दे आर इन 10,000s इन नंबर, ओके, दे आर 10,000s इन नंबर इन अ ब्लड, इनका कम होना या ज्यादा होना जो होता है दैट कैन कॉज कैंसर, ठीक है, तो इट मीन्स बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनका बढ़ना इसका मतलब क्या है, और यह घटना इसका मतलब है देयर इज इन्फेक्शन इन अ बॉडी, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है एंड दैट कैन कॉज कैंसर इवन दैट, ओके, तो ब्लड सेल्स का, व्हाइट ब्लड सेल्स का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना क्या है, दैट कैन अफेक्ट द बॉडी, ओके, और शो द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज, क्लियर, सो व्हाट इज इट, सच एज अगर हम बात करें कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह जो होते हैं, सच एज कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो होती है, ठीक है, और रेडिएशन थेरेपी, इसकी वजह से समटाइम्स क्या होते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और हायर काउंट जो होता है, अगर इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो दैट कॉन एन इन्फेक्शन, इनकी ज्यादा संख्या कब बढ़ेगी, जब बॉडी में कोई इन्फेक्टेड जर्म या बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो दैट कैन अफेक्ट, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बड़ा नेट प्रॉब्लम है बारिश की वजह से, मैम बारिश पड़ रहा है क्या उधर, यस मैम हम लोग को भी सर, मैम यस मैम इधर बहुत तेज बारिश हो रहा है, नेट प्रॉब्लम, हम लोग को भी क्लियर है, मैम उसका कॉमन नंबर 10,000 होता है, That is, हाँ, 10,000 होता है, इनका नंबर जो होता है वो 10,000 होता है और उसका 1,000,000 होता है करीब, अगर बात की जाए आरबीसी की, ठीक है, इनका जो नंबरिंग होता है वो सिर्फ 10,000 तक होता है, ठीक है, सो दैट इज अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें एंटीबॉडी होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, ठीक है,
तो इनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडल सेल्स की बात करें, एंटीबॉडी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, बॉडी में सिर्फ इन्फेक्शन को पहचानने का काम होता है। क्लियर? दैट इज जस्ट मैम आवाज कट कट करा रहा है। बेटा जस्ट म्यूट योरसेल्फ फर्स्टली। क्लियर? एंटीबॉडी सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी सेल्स होते हैं, दूसरे टी सेल्स होते हैं, ये भी तरह के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट सेल्स के होते हैं, ठीक है। टी सेल्स मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट, ओके, और बेसोफिल्स वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो इसमें तीन मेन चीज होती है, दैट इज इसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन का, इसको पहचानने का काम होता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है कि बॉडी में किस तरह का या कौन सा जर्म हमारी बॉडी में एंटर किया है, ठीक है, किस तरह का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, कैसा है, ठीक है। तो बॉडी में जो रिकॉग्नाइजेशन का वर्क होता है वो एंटीबॉडी सेल्स को होता है, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी सेल्स जो होते हैं जनरल वे में अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो ये टी सेल्स के पास जाते हैं, ठीक है। टी सेल्स जो होते हैं, ठीक है, हार्ड सेल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनका काम होता है किल करने का इन्फेक्शन को या जर्म को, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है, वायरस जो भी एंटर किया है, ठीक है, वो उसे क्या करते हैं, किल करते हैं। टी सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं एक तरह से, उसे किल करते हैं, ठीक है। जब किल कर देते हैं तो उसकी जो बॉडी बच जाती है, ठीक है, किसकी, जो जर्म या इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर किया था, ठीक है, अब उसकी बॉडी जो रिमेन रह जाती है, दैट इज व्हाट, Eaten up by the monocytes. और monocytes का जो cell size होता है वो क्या होता है, large होता है, that is large in size. इनका size जो होता है वो large होता है ताकि वो उसको खा सके, ठीक है, किसको, that is the dead germ या bacteria या infection जो हमारी body में cause करने के लिए enter किया है, pathogen हमारी body में जो enter किया है, ठीक है, so that is what okay, so that is what, engulfed by the monocyte and killed by the T cells and antibody cells, just they recognize, okay, they recognize the kind of a infection or pathogen that cause infection in our body or the disease in our body. So that is about the white blood cells. क्या होते हैं बेटा, white blood cells होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, हमें बीमारियों से बचाने का काम होता है, ठीक है, हमें इलनेस से, इन्फेक्शन से, जर्म से, ठीक है, जो कि सेल्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के ही क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज ल्यूकेमिया की, ल्यूकेमिया की बात करें तो दैट इज कॉज्ड बाय kind of a disease, that is a blood cancer, okay, that is a blood cancer, increase blood cancer, okay, jise hum kya kehte hain, leukemia kehte hain, theek hai, that is a blood cancer caused by the rise in number, ye kiski wajah se hota hai, jab wbc ka number jo hota hai wo kya hota hai beta, increase ho jata hai, 10,000 se kya hota hai, above chala jata hai, theek hai, increase in number of, that is increase in number of WBC and that is bone marrow का, क्योंकि जहां से blood का formation होगा अगर वही infected हो जाएगा, ठीक है, तो that will cause the blood cancer और that is known as the leukemia, ठीक है, that is known as leukemia. Clear? Next thing is about the platelets. Clear? That is platelets, the next one component of a blood. Okay? Platelets की अगर हम बात करें तो platelets जो होते हैं tiny blood cells होते हैं, they are tiny blood cells. Okay? जिनका work क्या होता है, coagulation का, coagulation. Okay? They help in the coagulation means
that is clotting, not clothing, that is in clotting. Okay, खून का जो थक्का होता है बॉडी में, अगर कहीं वाउंड या घाव चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो खून का जो थक्का या कॉगुलेट होना होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है, एंड फॉर्म द क्लॉटिंग एंड दैट्स व्हाई स्टॉप ब्लीडिंग, दैट स्टॉप ब्लीडिंग. ओके, इसका काम क्या होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का, ठीक है, सिंपल सी बात है, दैट इज प्लेटलेट्स, दे आर टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है क्लॉटिंग का एंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग और कोगुलेशन जिसे हम कहते हैं बेसिकली, ठीक है बेटा. सो व्हाट इज इट स्टॉप ब्लीडिंग, अगर प्लेटलेट्स जो होते हैं बॉडी में अगर कम हो जाते हैं, देखिए एक तरह से कहा जाए तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बॉडी में एक शक्ति प्रदान करना, ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स एक लेवल पे है, प्रॉपर लेवल पे है, ठीक है, दैट इज इन 2 लाख, 2 लाख इन नंबर अगर बात की जाए, दे आर 2 लाख इन नंबर, अगर 2 लाख से कम बढ़ जाते हैं तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती है प्रॉपर तरीके से वर्क करने की, ठीक है, थकावट होती है, टायर्डनेस होती है, ठीक है, तो दैट इज मन नहीं करेगा कुछ करने का, तो दैट इज व्हाट, दैट इज द प्लेटलेट्स अबाउट इट. तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो दे आर 2 लाख इन नंबर, ठीक है, एंड व्हाट इज इट, इनका जो लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें हमारी बॉडी में ये कब तक रहते हैं, दैट इज 7 to 10 days, इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह उसके बाद क्या होता है, नए सेल्स जो होते हैं, नए प्लेटलेट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. आपके बॉडी में ऐसा नहीं है कि जो पहले से ही शुरू से ही जो ब्लड बना है वो वही होगा, ऐसा नहीं है, उसका एक लिमिट डे होता है, लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके बाद फिर उसकी जगह नए सेल्स जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं, ठीक है, नए ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इन द बोन मैरो, जैसे मैंने आपको बताया स्पंजी पार्ट जो होता है, बोन के अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसके अंदर स्पंजी पार्ट होता है, वहां से क्या होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सो दैट इज अबाउट द प्लेटलेट्स. दूसरी चीज क्या है बेटा, दैट इज 7 to 10 days, what is it, that is the lifespan of the platelets, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा की अगर बात करते हैं, प्लाज्मा जो होता है बेटा दैट इज लाइट येलो इन कलर, यानी मैंने आपको सिंपल से बताया कि इफ यू फिल्टर द मिल्क, अगर आप मिल्क को फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मिल्क क्रीम है वो ऊपर रह जाती है और जबकि बाकी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो ब्लड भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है. जब हम उनके सेल्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड का कलर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है, आप जब आरबीसी को डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को सेपरेट कर देंगे तो जो हमारे पास फॉर्म बनेगा, जो प्लाज्मा बनेगा, दैट इज इन येलो इन कलर, वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, सेलेक्टेड होता है, मतलब सेपरेट किया जाता है जब उसके सेल्स को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड होता है जिसमें सारे सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, वो किस कलर का होता है, दैट इज इन येलो इन कलर, ठीक है, एंड दैट इज लिक्विड पार्ट, जो कि क्या है हमारे बॉडी में ब्लड का लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड, ओके, क्लियर. सो व्हाट इज इट द नेक्स्ट, इट कैरीज द, जिसका काम क्या होता है, सॉल्ट वॉटर, ठीक है, दैट इज कैरी द वॉटर सॉल्ट या एंजाइम्स जो होते हैं वो कैरी करता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो कैरी करता है, ठीक है, इस प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, दैट कैरी द एंजाइम्स, और सिंपली अगर बात की जाए, ठीक है, जो येलो कलर का होता है दैट इज द प्लाज्मा, दैट इज नोन एज द पेल येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात, तो इट मींस क्या है कि इट इज नोन एज द सीरम, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, एंड कब सीरम कहते हैं, सीरम कि जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में टू काइंड्स ऑफ अ सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, दो चीजें होती हैं, दैट इज अ फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ओके,
जब इस प्लाज्मा से इन दोनों चीजों को रिमूव कर दिया जाता है तो इसका जो कलर होता है वो लाइट येलो हो जाता है, ठीक है, किसका, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो लाइट येलो हो जाता है, और तब उसे हम क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं, दैट इज नोन एज द सेरम, आपने सुना होगा, ठीक है, कोरोना के उसमें पे ट्रीटमेंट में प्लाज्मा जो थेरेपी होती है वो दी जाती है, ठीक है, तो दैट इज प्लाज्मा, ओके, सेरम जो होता है जब कब फॉर्म होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, सेपरेट अगर हम कर देंगे उसको, ठीक है, तो वो और लाइट येलो हो जाएगा और दैट इज नोन एज द सेरम, ठीक है, उसे हम सेरम कहेंगे, ठीक है, लाइट येलो, प्रोथ्रोम्बिन, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, क्लियर, यस मैम। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द ब्लड वेसल्स की, ठीक है, ये चीजें थी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लड, ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है ब्लड के, और यही प्लाज्मा जो होता है बॉडी में हमारे इन सेल्स को, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट कर लेकर जाता है। अब जब लेकर जाने का काम है तो वो विद द हेल्प ऑफ फाइन ट्यूब्स के थ्रू होता है, ओके, ट्यूब्स के थ्रू होता है या वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज दैट इज द ब्लड वेसल्स की, दैट इज ब्लड वेसल्स, क्योंकि बॉडी में इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए भी क्या है, एक माध्यम की जरूरत है ताकि वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, दे आर द चैनल थ्रू विच द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, दैट इज टू बॉडी टिश्यू, तो व्हाट इज इट, दीज आर चैनल्स, सिस्टम होता है, चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी में ब्लड को क्या करता है, जनरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क होता है टू व्हाट, दैट इज द बॉडी टिश्यू, ओके, बॉडी टिश्यू तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वर्क है वो किसका है, ब्लड वेसल्स का है, उस ब्लड को प्रॉपर प्लेस तक लेकर जाने का जो काम है वो किसका है, दैट इज ब्लड वेसल्स का है, ठीक है, एंड दैट इज हेल्प इन द प्लेन रोल इन कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर, और जिसका काम क्या होता है, ब्लड के प्रेशर को भी बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, रिया म्यूट योरसेल्फ, क्लियर, तो अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स, ओके, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, जैसे मैंने सिंपली बताया कि अगर आप एक ट्री ले लीजिए और उस ट्री में टू मेन ब्रांचेस होंगी, उस मेन ब्रांचेस से और डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, और उस ब्रांचेस से और मेन डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं वो फॉर्म होगी, तो इट मींस क्या है, yes, कि जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, और फाइन ट्यूब्स जो होती हैं वो जनरली फॉर्म करती हैं, तो आर्टरी जो होती है वो रेड कलर है फॉर्म करती है, एंड वेन्स जो होती हैं वो वेनलेट्स जो होती हैं, ठीक है, वेन्यूल्स जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं, ठीक है, क्लियर है, तो सिंपल से अगर हम बात करें डिफरेंस के बारे में, देखिए अगर हार्ट की हम बात करते हैं, हमारा हार्ट का वर्क क्या होता है, पंपिंग का, ठीक है, तो व्हाट इज इट, अब देखिए सबसे मेन आर्टरी जो होती है दैट इज नोन एज एओर्टा, दैट इज नोन एज एओर्टा, यानी आर्टरी जो होती है सबसे मेन कौन सी होती है, एओर्टा होती है, आर्टरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट दे बेसिकली डू, तो आर्टरी जो होती है सबसे मेन दैट इज एओर्टा, उसके बाद ये किस में डिवाइड हो जाती है, इनटू फाइन ट्यूब्स दैट इज आर्टरीज में, और आर्टरी जो होती हैं वो आर्टरियोल्स बनाती हैं, ओके, दीज आर व्हाट, और फिर ये किससे जुड़ती हैं, कैपिलरी से जुड़ती हैं, कैपिलरीज, ओके, दैट इज कैपिलरी जो कि बॉडी टिश्यू तक पहुंचता है, ठीक है, अब बॉडी टिश्यू से फिर यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी से कौन जुड़ा होता है, दैट इज वेनलेट जुड़ी होती है, इस वेनलेट से कौन जुड़ा होता है, दैट इज वेन्स, और फिर वेन से वीना कावा, और फिर दैट इज हार्ट, ठीक है, ये एक क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक और कहा जाए तो
कि हार्ट जो होता है जब बॉडी में ब्लड को पंप करता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये कहाँ जाती है आर्टरीज में जाती है जो कि और स्मॉल हिस्सों में बढ़ जाती है, और फिर ये आर्टरीज और फाइन ट्यूब्स में बढ़ जाती है, ठीक है, और देन उसके बाद वो कैपिलरीज में बढ़ती है, ठीक है, कैपिलरीज तक पहुंचाती है, और फिर यहाँ से जो ब्लड टिश्यू बॉडी टिश्यू जो होते हैं वहां पर ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है बॉडी कैपिलरी के क्या वर्क है बता रही मैं, रुको, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होती है, ठीक है, बॉडी टिश्यू में यानी सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन्हें कौन लेकर आता है, वेनलेट्स लेकर आते हैं, वेनलेट्स कहाँ पहुंचाते हैं वेन्स पे पहुंचाते हैं, ठीक है, और फिर वो कहाँ जाता है हार्ट के वीना कावा तक पहुंचता है, मेन वेन तक पहुंचता है, ठीक है, मेन वेन जो होती है उसे कहाँ तक पहुंचाती है हार्ट तक पहुंचाती है, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अब आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को यानी प्योर ब्लड को कैरी करके ले जाने का काम है, ठीक है, दैट कैरी द व्हाट मेन यानी प्योर ब्लड, ठीक है, और वेन्स का काम क्या होता है दैट इज कैरी द इम्प्योर ब्लड, दैट इज इम्प्योर ब्लड, ठीक है, वेन्स का काम क्या है इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का, और आर्टरीज का काम क्या है दैट इज प्योर ब्लड, ओके, क्लियर, व्हाट इज इट, आर्टरीज का मेन वर्क है प्योर ब्लड को कैरी करना टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और वेन्स का काम क्या है इम्प्योर ब्लड को कैरी करके वापस हार्ट तक लेकर आना, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड दैट इज प्योर ब्लड दैट कंटेन्स द ऑक्सीजन, ठीक है, इन दैट ब्लड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्योर ब्लड होता है इट लुक्स रेड, ओके, बट इम्प्योर ब्लड लुक्स ब्लू इन कलर, ठीक है, वो किस कलर में दिखता है ब्लू कलर में दिखता है। अब देखिए सिंपल सी बात, इट मीन्स आपके जो हैंड्स हैं इसमें जो ग्रीन दिख रहा है, ठीक है, दैट इज ग्रीन वन इज इम्प्योर ब्लड दैट इज द वेन्स, ये वेन्स है आपकी, ठीक है, आपने कभी देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो आईज होती हैं कभी कभी रेड हो जाती है, ठीक है, और उस रेड होने की वजह से उसमें आईज में लाइनिंग दिखती है, ठीक है, रेड रेड लाइनिंग जो होती है वो आपको दिखती है, तो वो ना तो आर्टरी है ना तो वो वेन है, दे आर कैपिलरीज, वो क्या है कैपिलरीज हैं, ठीक है, बहुत फाइन थिन ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है, थिन स्पेस जो होते हैं दे आर व्हाट कैपिलरीज, और आर्टरीज की अगर बात करें तो आर्टरीज जो होती है ये आपकी बॉडी के अंदर की तरफ होती है बहुत, ठीक है, दैट इज यहाँ पर अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है अंदर की तरफ, तो ये आर्टरीज होती है बेसिकली प्रेजेंट इन द व्हाट इन इंटरनल पार्ट, ठीक है, और जो आपके सिंपल सी आपने अगर आप देखा होगा कि जो मेन हार्ट दिखती है जो थोड़ी सी, तो दैट इज वेन, वो वेन है, ठीक है, आपको आपको हाथ में अगर ग्रीन ग्रीन दिख रही है तो दैट इज वेन, वो वेन्स है, आर्टरीज नहीं है, आर्टरीज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर की तरफ होती है थोड़ी डीपली होती है कहा जाए तो, ठीक है, वेन्स जो होती है वो आपको स्किन पर दिख जाएंगी, ठीक है, और कैपिलरीज जो होती हैं और ज्यादा क्या होती हैं थिन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपकी आईज में जो होता है रेड लाइंस जो होती हैं दैट फॉर्म ड्यू टू व्हाट कैपिलरीज, वो आपको कैपिलरीज दिखती हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दैट इज ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कि ब्लड वेसल्स एक ट्यूब की तरह होते हैं, ठीक है, देयर आर ट्यूब, अब सिंपल सी देखिए बात है, मान लीजिए ये क्या है ट्यूब की तरह है जिसके अंदर क्या है एक स्पेस है होल प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है होल प्रेजेंट है, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर जो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर क्या है लिक्विड फ्लो करता है यानी ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, और ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है दैट इंटरनल पार्ट इज नोन एज ल्यूमन, इस इंटरनल पार्ट को क्या कहा जाता है ल्यूमेन कहा जाता है, दैट इज नोन एज द ल्यूमेन, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का जो इन अंदर वाला हिस्सा होता है जो खाली स्पेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, एंड इट इज नोन एज द ल्यूमेन, हम उसे क्या कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, फैटी चीज अगर हम ज्यादा खाते हैं, ठीक है, फैट कंटेनिंग फूड जो होते हैं अगर हम ज्यादा खाते हैं
तो ये ल्यूमन के अंदर वाले हिस्से में क्या होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है. ठीक है, तो जब फैट डिपॉजिट होने लगता है तो इट मीन्स दैट कॉज द ब्लॉकिंग ऑफ द ब्लड. ओके, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड तेजी से जा नहीं पाता, ब्लड प्रॉपर तरीके से हार्ट तक पहुंच नहीं पाता, और इसकी वजह से क्या होता है, जो एक सिंपल दैट इज बीपी जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, सो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट हो जाती है. क्लियर.